बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट एंड मूविंग चार्जेस दैट इज करंट्स, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटीरियल्स। यानी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की बार मैग्नेट से और मूविंग चार्जेस से, इट मीन्स के करंट, तो इससे हमारे पास ये पॉसिबल हुआ कि हम ओरिजिन ट्रेस करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फील्ड ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट इज लाइक दैट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलिनॉइड कैरियिंग करंट एंड द फील्ड ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ सिंगल लूप। लॉन्ग बार मैग्नेट का फील्ड इस तरह से है। दिस सिमिलैरिटी बिटवीन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई मैगनेट्स एंड करंट्स अर्क्स एंड इंक्वायरिंग माइंड टू थिंक दैट आल मैग्नेटिक इफेक्ट्स मे बी ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स दैट इज मूविंग चार्जेस। यानी ये सारे इफेक्ट्स मूविंग चार्जेस की वजह से होते हैं। अब व्यू फर्स्ट हेल्ड बाई एम्पियर, ये सबसे पहले हमें एम्पियर ने लॉ दिया था। दिस आइडिया वॉज नॉट कंसिडर्ड वेरी फेवरेबल इन एम्पियर्स टाइम बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पता था इसलिए जब एम्पियर्स ने लॉ दिया तो उसको इतनी फेवर नहीं मिली। टेकिंग इन टू अकाउंट द कंसिडरेशन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम डिस्कवर्ड देयर आफ्टर द एम्पियर्स व्यू अपीयर टू बी बेसिकली करेक्ट। जब एटम की स्ट्रक्चर का पता चल गया तो फिर एम्पियर्स व्यू जो है वो पता चल गया कि ये बेसिकली करेक्ट हैं। द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम अराइज फ्रॉम टू मोशंस। यानी मैग्नेटिज्म दो मोशन से अराइज करता है। फर्स्ट, ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक एन एटॉमिक साइज लूप ऑफ करंट दैट जनरेट्स अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू द फील्ड क्रिएटेड बाय करंट लूप। फिगर ये इसमें देखें। सेकेंडली, ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसिज अ स्पिन दैट आल्सो गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी हर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तो करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, वो अपने ही एक्सिस के अलोंग भी स्पिन करता है। उसकी इस मोशन को जो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना है उसे हम स्पिन कहते हैं। द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम इज ड्यू टू द कम्बाइंड फील्ड क्रिएटेड बाई देयर ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी ऑर्बिटल मोशन से भी और स्पिन मोशन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास आता है। सिंस देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम देयर करंट्स आर स्पिन्स मे बी सो ओरिएंटेड आर अलाइंड एज टू कैंसल द मैग्नेटिक इफेक्ट म्यूचुअली आर स्ट्रेंथन द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बहुत सारे एटम्स होते हैं तो हर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन भी होगी और स्पिन मोशन भी होगी और उससे हमारे पास फिर दो तरह के रिजल्ट्स आएंगे। या तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे, या उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एन एटम इन विच देयर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ टिनी मैग्नेट एंड इट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है कि ऐसे एटम जिसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, उसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ दीज एटम्स। मैग्नेटिज्म इज देयरफॉर ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड इज दस अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंस। तो ये सारे सब्सटेंसेस की एक प्रॉपर्टी है। इट मे बी मैंशनड दैट द चार्ज न्यूक्लियाई इटसेल्फ स्पिन्स गिविंग राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउएवर इट इज़ मच वीकर देन दैट ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। दस द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन। सोर्स इसका इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टिंग दिस व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म इट इज़ कंक्लूडेड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि हम सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं अटेन कर सकते कि एक मैग्नेट को तोड़ दें तो उसके नॉर्थ साउथ अलग होंगे, ऐसे नहीं होता, बल्कि वो दोबारा एक और मैग्नेट बन जाता है। द नॉर्थ पोल इज मेयरली वन साइड ऑफ अ करंट लूप, द अदर साइड
will always be present as a south pole and these cannot be separated. This is an experimental reality.